गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है फिजिकल फैक्टर्स जो भी हमारे अराउंड हैं, जैसे कि वाटर हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, एयर, सॉइल और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ गए बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको मिला के बनता है एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट में फिजिकल फैक्टर्स भी आ गए और लिविंग फैक्टर्स भी आ गए। अब दो कंपोनेंट हो गए, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हो गए बायोटिक फैक्टर्स। तो पहले हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करें। देखो, बायो जहां पे वर्ड लग गया, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। तो इसमें सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे इसमें, बैक्टीरिया, फंजाई। और एबायोटिक फैक्टर्स में ए आगे लग गया तो एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? बायो। बायो का मतलब लिविंग, यानी लाइफ यहाँ पर एब्सेंट है। तो इसमें कौन से फैक्टर्स आ गए? नॉन लिविंग फैक्टर्स आ गए। और नॉन लिविंग में आ गए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, इसके अलावा केमिकल एजेंट्स भी इसी में आएंगे, जैसे कि गैसेस हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो, बायो और डिग्रेडेबल यानी जो लिविंग कंपोनेंट से बने हैं और उनको आसानी से डीकम्पोज किया जा सकता है, वो तो हो गए बायोडिग्रेडेबल। देखो, ये कैसे सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से इजीली डीकम्पोज किए जा सके, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब ये डीकम्पोजिशन क्या होती है? डीकम्पोजिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो कि अनअवेलेबल होते हैं सॉइल में अगर है भी तो, उनको सिंपल में कन्वर्ट करना। और जब ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो अवेलेबल होंगे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सॉइल के अंदर जब होंगे तो। तो एग्जांपल अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हम देखें, इसमें आ गया कैटल डंग, कॉटन, जूट, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स, इसके छिलके हो गए जो, और जो पत्ते गिरे हुए होते हैं टूट के खुद से गिर जाते हैं, वो भी इसी में आएंगे। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं? जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसमें आएंगे प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, रेयॉन, ये सिंथेटिक फाइबर्स है ना, वो आएंगे। कॉटन जो है, कॉटन, जूट, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल में है। और सिंथेटिक फाइबर जितने भी हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। इसके अलावा मेटल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल्स, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। अब इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट्स, हमने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो बायोटिक और एबायोटिक हैं, तो हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इनका आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दोनों कंपोनेंट हो गए कौन कौन से? बायोटिक भी और एबायोटिक भी। ठीक है, अब हम इकोसिस्टम जो है देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। एक होता है मैन मेड यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे फसल उगाते हैं हम अपने खेत में तो वो हमने उगाई है ना, नेचुरल नहीं है, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम है। ऐसे ही एक्वेरियम में हम डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए ये इकोसिस्टम भी कैसा हो गया? मैन मेड इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि नेम मैन मेड इकोसिस्टम्स, और दूसरा क्वेश्चन आता है नेम नेचुरल इकोसिस्टम्स। अब नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर दो टाइप के हैं, एक्वेटिक और
टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर और टेरेस्ट्रियल रिलेटेड टू लैंड। तो लैंड इकोसिस्टम में आ गए फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स वगैरह। और एक्वेटिक फर्दर दो टाइप का है, एक तो मैराइन, मैराइन में आ गया सी एंड ओशंस, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ गया रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, वाटरफॉल, ये सब इसमें आता है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आती हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट्स का ले हम यहाँ पे, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उनको यूज करके और सनलाइट को, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, तो बनता क्या है? शुगर। शुगर यानी स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है शुगर का, ग्लूकोज यहाँ पे हम कह सकते हैं शुगर, ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना, अपना फूड खुद से बनाना, वो आ जाएगा प्रोड्यूसर्स में। और इस प्रोसेस को प्लांट्स के केस में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस ही होती है, इसके लिए क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होता है। प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। अब कंज्यूमर्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड करते हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फ्लैश ईटर्स भी इनको कहते हैं, मांसाहारी, और ये होते हैं शाकाहारी। पैरासाइट्स, परजीवी कहते हैं, ये लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर ये रहते हैं वो होस्ट कहलाता है। जैसे एक येलो कलर की बेल प्लांट्स के ऊपर आपने देखी होगी, जो येलो कलर की बेल है वो पैरासाइट है, कसकट्टा कहते हैं उसको। और जिस प्लांट के ऊपर वो उगी होती है वो प्लांट उसका होस्ट हो गया। ओमनीवोर्स, ओमनी का मतलब होता है बोथ, तो ये प्लांट ईटर्स भी हैं और फ्लैश ईटर्स भी, यानी ये हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। दोनों मोड को ये स्विच कर सकते हैं, जब प्लांट्स अवेलेबल हैं तो हर्बीवोर्स हैं, अवेलेबल नहीं है तो ये कार्निवोर्स भी हैं, एक ही टाइम में दोनों चीजों को भी खा सकते हैं। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स में आते हैं फंगस और बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? डेड प्लांट या एनिमल रिमेन्स को, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सिंपल कंपाउंड्स फिर अवेलेबल होंगे, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं वो। तो डीकम्पोजर्स का सबसे बड़ा रोल क्या है? दे हेल्प इन रेप्लेनिशमेंट। रेप्लेनिशमेंट का होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है सॉइल के अंदर मान लो, तो वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड हो जाएंगे। री का मतलब होता है रिपीट, दोबारा होना। अब है फूड चेन। फूड चेन हम यहाँ पे देखो, तीन फूड चेन दिखाई है मैंने। सबसे पहली जो फूड चेन दिखाई है ये फॉरेस्ट फूड चेन दिखाई है, दूसरी जो फूड चेन दिखाई है ये ग्रासलैंड दिखाई है, और तीसरी जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में दिखाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें ये फॉरेस्ट फूड चेन, ये दिखाया है डियर। डियर जो है वो क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स को खाता है, और डियर को खा जाता है फिर लायन, टाइगर, ओके। तो ये एक फूड चेन हो गई। अब दूसरी फूड चेन देखें, ग्रास ओपर है ये, ग्रास ओपर प्लांट्स को खा रहा है, ठीक है, और ग्रास ओपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। ये जो इस हाईएस्ट लेवल पे हमने दिखाए हैं ना, ये तीनों, इनको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं।
अब हम एक बार एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिखाए हैं फाइटोप्लैंक्टोन, यानी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, उनको क्रैब ने खा लिया। अब क्रैब को फिशेस खा लेती हैं, और फिशेस को कौन खाता है? फिशेस को ये हेरॉन्स जो हैं, ये फिशेस को खा लेते हैं। तो ये टॉप कार्निवोर्स हो गए, और ये इसमें फर्स्ट लेवल जो है ये हैं प्रोड्यूसर्स, और बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंज्यूमर्स हैं। तो फूड चेन एक्चुअली है क्या? अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। किस लिए कंज्यूम करता है? टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, ताकि उसकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। अब ग्रीन प्लांट्स को देखें अगर हम, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, कोई भी फूड चेन है देखो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। तो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट में जितनी एनर्जी है उस एनर्जी का सिर्फ 1% ही कैप्चर करते हैं, और एनर्जी फ्लो जो है फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में, वो यूनिडायरेक्शनल है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ जाती है एनर्जी, वापस कभी नहीं आएगी। और ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। अब हम ट्रॉपिक लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स? वेरियस लेवल्स और स्टेप्स इन ए फूड चेन। ये फूड चेन है, जैसे ग्रास है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब ग्रास, ग्रास ऊपर ने खाई, तो ग्रास ऊपर आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक हो गया यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को भी आगे ईगल खा सकता है, टॉप कार्निवोर है वो, ओके? तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ नरिशमेंट है, उसमें प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल पे आते हैं, हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स एनिमल्स होंगे, सेकेंडरी टर्शरी आगे सब एनिमल्स होंगे। अब फूड वेब, जब देखो नेचर में एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अकेली एक फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। एक टाइप के फूड को बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, तो जब बहुत सारी फूड चेन्स मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज ईटन बाय टू और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विच आर अगेन ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चेन, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन अनदर फूड। और इसको कैसे शो कर सकते हैं हम? ये देखो, ये ब्रांचिंग लाइन, जैसे ग्रास होपर जो है इसको स्नेक भी खा सकता है, इसके अलावा फॉक्स भी खा लेती है, इसी तरह स्नेक है, स्नेक को हॉक भी खा सकता है और फॉक्स भी खा सकती है। तो ये यहाँ पे हमने ब्रांच्ड लाइंस दिखाई हैं। अब ये बन गया फूड वेब। ऐसे ही ग्रास को माउस भी खा सकता है, ग्रास ऊपर भी, बेरीज को माउस भी खा सकता है और फॉक्स भी, ओके? तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन्स को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है। अब हम एनर्जी लॉ कर लेते हैं। ये है 10% लॉ। 10% का मतलब क्या है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे ये सिंपल फूड चेन हमने दिखाई है, फॉरेस्ट फूड चेन जो हमने पीछे भी दिखाई कि ग्रीन प्लांट्स को डियर, और डियर को खाएगा लायन। तो अब अगर मान लो इन ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी है 10 joules, और ये यहां से भी अगर हम देखें 1000 joules ऑफ लाइट एनर्जी ये ग्रीन प्लांट लेता है, इसमें से 990 joules एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, वापस लॉस हो जाती है।
और सिर्फ 10 जूल एनर्जी अवेलेबल होती है एज फूड प्रोड्यूसर्स। ओके, तो ये हुई 1%। पीछे भी हमने किया था कि सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो सनलाइट के से जो प्लांट्स लेते हैं 1% लेते हैं, और फर्दर जो ट्रॉपिक लेवल्स पे जा रही है वो जाती है 10%। तो अब अगर मान लो ग्रास में 10 जूल एनर्जी है, तो इस 10 जूल का सिर्फ 1 जूल, ओके, ये जाएगा कहां, हर्बीवोर्स के पास। 9 जूल्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, और लाइन को कितनी मिलेगी, सिर्फ 0.1 जूल एनर्जी मिलेगी कार्निवोर्स को। तो ये लॉ दिया था जॉन लिनमैन ने, और इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास होती है, जबकि 90% जो एनर्जी है वो प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल पे यूज हो जाती है उसकी लाइफ प्रोसेसेस में। तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन ए फूड चेन, और सिर्फ एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। थैंक यू।